नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वेलकम करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये प्लांट्स देख रहे हैं, तो देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये कौन से प्लांट्स हैं। ये जो है, ये बेल के प्लांट्स हैं। आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था लगभग महीने भर पहले, महीने दो महीने पहले, कि बेल की कटिंग्स को कैसे लगाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सभी की सभी कटिंग्स लग गई है। इनके कितने अच्छे रिजल्ट्स, ये देखिए आप। ये प्लांट्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी बारिश की सीज़न में तो ये बहुत, इनकी बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है। देखिए, नई नई लीव्स आ रही है। देखिए आप, अभी तो सावन का महीना था, तो शिव जी के लिए जो बेल चाहिए थे, तो हर सोमवार को क्या, हर रोज़ मैं बेल ले जाता था। अब ये वाली जो कटिंग है, दूसरी है, और ये दोनों अलग अलग है। ये भी देखिए कितने अच्छी तरह से फूटी है। और चार पांच कटिंग्स थी मेरी, मैंने दो अपनी दादी को दे दी और एक मैंने अपनी नानी को दे दी। तो देखिए कितने अच्छे इनकी ग्रोथ हुई है। तो आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था बेल की कटिंग्स पर, और मैंने ये और दूसरा वीडियो बनाया है। ये जो वाली थी, ये कटिंग, ये वो मई में जो वीडियो बनाया था मैंने, उसकी है। और ये मैंने बाद में लगाई थी, लेकिन फिर भी देखिए, इसको मैं लगभग लगाए हुए डेढ़ महीना ही हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ कितनी हो गई है देखिए आप। मेरे हाथ इतनी स्टेम थी छोटी सी, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है। इसमें रूट्स भी जो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है बेल में, और देखिए आप। तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा मेरा ये एक्सपेरिमेंट जो बेल की कटिंग्स पर मैंने किया था, बहुत ही सक्सेसफुल रही ये कटिंग। ये देखिए आप, इसमें कितने ब्रांचेस आ रहे हैं। तो शिव जी की कृपा से बेल की कटिंग्स लग गई। मैंने पहले भी बहुत बार ट्राई की थी, लेकिन नहीं लग पाई। अब बारिश की सीज़न में लगाई, तो झट से ये सभी की सभी कटिंग्स जो है लग गई है। वैसे दोस्तों, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने ये कटिंग्स मेरे पुराने मटके में लगाई थी। तो उसमें मैंने बेल के साथ हिबिस्कस की और कनेर की और भी कटिंग्स लगाई थी, और एक इसी पॉट में मैंने दूसरी भी कटिंग्स लगाई थी, हिबिस्कस और बेल की। तो दोस्तों, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मिट्टी के गमलों में कटिंग्स बहुत जल्दी लग जाती है, उनमें रूट्स बहुत हेल्दी और अच्छी आती है बजाय प्लास्टिक के। प्लास्टिक के पॉट्स में कटिंग सड़ जाती है, मेरी कटिंग्स गल गई थी, लेकिन मिट्टी के पॉट में कटिंग्स बहुत ही आसानी से लग गई, क्योंकि उन कटिंग्स को ब्रीद करने के लिए एयर मिल जाती है। क्योंकि मिट्टी के जो गमले होते हैं, उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उनकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई उनमें बना रहता है। तो फिर देखिए, मैंने जब इनमें रूट्स आ गई थी, तो इन्हें लगभग हफ्ते भर पहले रिपोर्ट किया है। यह तो मैं कटिंग फेंकने वाला था, क्योंकि इसमें कोई भी लीव्स नहीं थी, लेकिन देखिए आप, अभी इनमें लीव्स आ गई है। तो होप करता हूँ दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि बेल की कटिंग्स को कैसे लगाना है। मैंने ना तो रूटिंग हार्मोन यूज़ किया था, ना ही कुछ, बस मैंने कटिंग्स लगा के। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कटिंग्स को आप शार्प रखें। कटिंग्स का ये जो कट है, इसको आप शार्प कट करें, आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसा भी कट ना करें। अगर आप कटिंग्स कहीं से तोड़ के लेके आते हैं, तो टूटा हुआ भाग जो एरिया होता है, उसे आप फिर से कटर से शार्प कट कर दीजिए, तो इससे ये कटिंग्स अच्छे से लग जाएगी। आप अभी भी ये कटिंग्स लगा सकते हैं, बारिश के सीज़न में कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती है। तो देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं मेरे, और ईश्वर से भी प्रार्थना है कि ये प्लांट्स जल्द से जल्द बड़े और अच्छे हो जाए। तो चलिए दोस्तों, होप करता हूँ आप अब सब समझ गए होंगे कि बेल को कैसे लगाना है, और आप भी लगा दीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।